गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे थे कृषि लेसन, अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। अब देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के कृषि क्या है? पहला है कृषि क्या है, इसका उत्तर लिखो। कृषि में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। सब्जियों फूलों को किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो इसमें। उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। उन कारकों का नाम बताइए प्रभावित कर रही है। अब इसमें लिखो, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। अब इसमें आएगा, निम्नलिखित कारक हैं इसमें उनको स्थलाकृति स्थलाकृति मृदा और जलवायु मृदा और जलवायु कृषि को मृदा और जलवायु कृषि को प्रभावित करते हैं। आदि कारक कृषि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन लिखो। स्थानांतरित कृषि क्या है? स्थानांतरित कृषि क्या है? स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या मान्यता है? कृषि की क्या मान्यता है? इसमें लिखो स्थानांतरित
कृषि में स्थानांतरित कृषि में किसी भी क्षेत्र को इस कृषि में भूमि पर वृक्षों को काटकर और जलाकर इस कृषि में वृक्षों को ऐसे लिखो वृक्षों को काटकर व जलाकर भूमि को कृषि योग्य इसे कर्तन व दहन कृषि भी कहते हैं। इसे कर्तन व दहन कृषि भी कहते हैं। यह तो हो गई स्थानांतरित कृषि। अब इसकी हानियां लिखो। अब ऊपर ही देखती हूँ मैं इसकी हानियां। स्थानांतरित कृषि की हानियां कौन कौन सी हैं? इसमें देखो हानियां। पहला लिखा है इससे वनों का काफी ह्रास होता है जिससे पर्यावरण को हानि होती है। काफी ह्रास क्योंकि वनों को जलाकर कृषि की जाती है ना। दूसरा लिखो इसमें इससे तीसरा लिखो इसमें कृषि से कृषक स्थायी रूप से एक जगह निवास नहीं कर पाता। उसको जगह बदलता है ना वो तो कृषक का जीवन अस्थायी रहता है। ठीक है क्योंकि वो एक जगह रहकर नहीं करता ना कृषि इसलिए अस्थाई रहता है। अब अगला क्वेश्चन लिखो इसमें रोपण कृषि क्या है। तीसरा क्वेश्चन था ना ये। अब चौथा क्वेश्चन है रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि में रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। फसलों को जी
कृषि बड़े पैमाने पर फसलों को रोपण करके करके की जाती है, जैसे चाय, कहवा, रबर आदि। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? सरकार किसानों को, मैं एक बार पूरा ही लिखा देती हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो मुझे लिखना पड़ेगा। सरकार किसानों को, पांचवा क्वेश्चन है, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार कृषि के विकास में किस प्रकार प्रकार मदद करती है? इसमें देखो ये आएगा, सरकार किसानों को कृषि के विकास के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध निम्न मदद करती है, निम्न प्रकार से मदद करती है। इसमें पॉइंट लिख लो, नंबर या वैसे का डैश करके लिख लो, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोए गए करके। दूसरा इसमें लिखो, तीसरा है अच्छे किस्म के बीज व उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग द्वारा उर्वरक व अच्छे किस्म के प्रयोग द्वारा। अगला है, इसमें
कृषि का मशीनीकरण करके कृषि यंत्रों का कृषि यंत्रों में मशीनी का प्रयोग करके ठीक है। अब ये हो गया ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं कोई भी क्षेत्र में विस्तार करके कि कृषि का ज्यादा से ज्यादा विकास किया जा सके। अब इससे आगे क्वेश्चन अपन कल करें।